जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि आज 26 अप्रैल 2023 है और ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, साथ में आर्मी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आज जो आर्मी का एग्ज़ाम था आखिरी दिन था, ठीक है। आज होते हैं सारे एग्ज़ाम ख़त्म, चाहे वो हवलदार के थे, डी फार्मा, बी फार्मा, धार्मिक गुरु, रिलीजियन टीचर के, अग्निवीर, एर्थ के थे, 10th के थे, 8th वाले आज थे, ठीक है। और क्लर्क, ट्रेडमैन के, टेक्नीशियन के, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क वगैरह, जीडी, सभी लोगों का 17 अप्रैल से लेके 26 अप्रैल तक जिनका भी एग्ज़ाम हुआ ख़त्म हो गया। अब लड़कों के दिमाग में 3-4 सवाल चल रहे हैं, कितने लड़कों ने फॉर्म डाला था, कब तक इसका रिजल्ट आएगा, कट ऑफ क्या जाएगा, कितने नंबर वालों को फिजिकल देने के लिए बुलाया जाएगा, अब अगली भर्ती कब आएगी, इस बार कितनी भर्ती आई थी, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए 1000 के अप्रॉक्सीमेट, 2000 के अप्रॉक्सीमेट वैकेंसी थी, उसमें कितने लड़कों ने फाइट किया, बहुत सारे आप लोग के दिमाग में सवाल चल रहे होंगे। अग्निवीर में आप 4 साल के लिए परमानेंट या उसके बाद आप हमेशा के लिए भर्ती रहेंगे, उसका सिलेक्शन कैसे होगा, बहुत सारे सवाल होंगे। तो चलिए, आज की कुछ जानकारी खास होने वाली है और ऐसे ही सभी जितना भी अभी मैंने टॉपिक बताया उन पे आपको वीडियो 1 डे 1 करके मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके कॉर्नर में बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे दबा दीजिएगा। सबसे पहले बता दूं, टाइम्स हिंदू का आर्टिकल है, ठीक है, कि आज आर्मी का एग्ज़ाम एंड हो गया है, सभी लड़कों ने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। यहाँ पर इसको सभी लड़कों ने यहाँ पर अपना एग्ज़ाम दे दिया है, ठीक है। और जैसे SSC का, GD का एग्ज़ाम होता है, उसी तरह इसका एग्ज़ाम कराया गया है, लेकिन इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न था आर्मी ने लिया है, ठीक है। TCS ने इसका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया है, ठीक है। और साथ ही साथ में ये उसी तरह एग्ज़ाम हुआ है जैसे लोकल SSC GD का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। और हालांकि पेपर का जो मोड था वो मीडियम था, ठीक है, सभी लोगों इसे अटेम्प्ट किए बढ़िया से। ज़्यादातर मिनिमम जो स्कोर गया है 35+ गया है, 30+ गया है मिनिमम स्कोर, सभी लड़के अप्रॉक्सीमेट 30 से ऊपर ही किए हैं और ज़्यादातर हाईएस्ट स्कोर लड़कों का 45 गया है, प्लस 45 के आसपास गया है। रही बात कट ऑफ की, कितने पे कट ऑफ आपका जा सकता है, कितने लड़के इस बार दिए हैं, कितने सेंटर थे, ये सब मैंने बता दिया सर, कितने एग्जामिनेशन सेंटर थे आपके ऑल ओवर इंडिया में 17 से 26 अप्रैल, आज लास्ट डे है इस एग्ज़ाम का, ठीक है। साथ में कितने लड़कों ने एग्ज़ाम दिया और इसका जो अपडेट आएगा कट ऑफ वो ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आएगा, लेकिन एक नॉर्मल एवरेज अगर लगाया जाए तो ज़्यादातर लड़कों का चांस मिलेगा दौड़ने के लिए। तो आप निराश मत होइएगा, अगर आपने 30+ भी किया है तो चांस है कि आपका फिजिकल के लिए आएगा, क्योंकि फिजिकल भी आपका 100 नंबर का है। उसके बाद फिजिकल में कुछ लड़के छड़ जाते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ लड़के छड़ जाते हैं, फिर उसके बाद मेडिकल में कुछ लड़के छड़ जाते हैं, उसके बाद फाइनल एक जो कट ऑफ जारी होता है उसमें लड़के फाइनल भर्ती होते हैं, ज्वाइनिंग लेटर आता है जो रिजल्ट आर्मी के ही वेबसाइट पर आता है, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, अगर 30 है, 30 आपने क्वेश्चन किया है, 60 नंबर, 50 नंबर प्लस है, तो आपका फिजिकल में डेट आने का पूरा संभावना है, ठीक है। तो निराश होने की कोई बात नहीं है, और अगर अच्छा किया है, 40+ किया है, तब तो कोई रोक ही नहीं सकता आपको फिजिकल में आने से, ठीक है। और साथ ही साथ आपको जब ये आता है तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पे ही यहाँ पे आपको आर्टिकल मिल जाएगा। और कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको डेली अब देने जा रहा हूँ आर्मी से रिलेटेड, जो 2023 की नई रूल्स हैं, नई वैकेंसी हैं, प्रोसेस, सैलरी, पे स्केल, जॉब बढ़िया कौन सी है, पोस्ट कौन सी बढ़िया आ रही हैं, ऑफिसर रैंक पे, JCO रैंक पे, बहुत सारी अपडेट मिलने वाली है जो डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं, खासतौर से इंडियन आर्मी या एयरफोर्स या नेवी या SSC के अंतर्गत केंद्र की जो भी भर्तियों की तैयारी करते हैं। तो फटाक से इस वीडियो को कर लो सेव, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलने वाली है, क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन सभी लोग को बता देना और जो मैंने प्रोसेस बताया है वो हाल ही में आपको वीडियो मिल जाएंगी जो शुरू में मैंने बताया है, ठीक है। और आई होप आप लोग फिजिकल की तैयारी में लग गए होंगे, पेपर बढ़िया हुआ होगा तो, और लग जाइए फटाक से और चैनल को सब्सक्राइब करके कॉर्नर में बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।